आई रिसेंटली हैड अ काउंसलिंग सेशन एंड जो बंदा था ना उसने मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि भाई मैं आज ग्रेजुएट हो रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड मैं देख रहा हूँ एक ऐसे रोल को जिसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड दैट वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन जो मुझे रिसेंटली काउंसलिंग सेशंस में पूछा था, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रॉपर उसको बंदे को चाहिए ऑप्शंस कि भाई ये अगर मैं करूँगा तो मेरी नौकरी ली जाएगी इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स एंड दैट्स हाउ एवरी वन ऑफ अस शुड एवर थिंक, राइट। सो आज वही हम लोग कवर करेंगे जो मैंने उसको बताया, मैं सिमिलर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एंड वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट दोज रोल्स जो नेक्स्ट डिकेड में नहीं रिप्लेस हो सकते बाय एआई। सो विदाउट मेकिंग मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रोल जो आई थिंक विल नेवर गेट रिप्लेस बाय एआई इन द आईटी इंडस्ट्री इज सेल्स। भाई सेल्स एज यू गाइज माइट बी नोइंग इफ नॉट इज द हाईएस्ट पेड रोल, ठीक है। हर बंदा जो पैसा ज़्यादा कमाता है बिलोंग्स टू सेल्स ऑब्वियसली। भाई वो जो रोल है ना उसमें डिमांड ही उतना है और उसमें उतनी एक्सपेक्टेशंस भी होती है बिकॉज इट्स अ ऑन टोज रोल। ऐसा नहीं है कि भाई आप बैठ के चिल करके काम कर रहे हो, भाई बेचना है, किसी के भी जेब से पैसा निकलवाना इज़ दी हार्डेस्ट स्किल, भाई वो नहीं होता है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ एंड सेल्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड, सेल्स विल बी इन डिमांड फॉर नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट डिकेड में भी, ठीक है। सो इफ यू वांट टू एवर गेट इनटू एनी रोल यू आर रेडी टू टेक दैट हसल एज वेल, तो सेल्स में जाना वुड बी अमेजिंग बिकॉज इट्स रिवॉर्डिंग एज वेल। दैट्स द फर्स्ट रोल। सेकंड रोल आई थिंक वुड बी बिजनेस एनालिस्ट। नाउ मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, बायस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे, राइट, बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर करता है, प्रोजेक्ट मैनेज करता है एंड इज़ द POC टू द कस्टमर, राइट। इसमें ऐसा कोई स्किल नहीं है जो कि ऑटोमेट करेगा रोबोट। रोबोट आके रिक्वायरमेंट्स गैदर करके उस पर सोल्यूशन नहीं थिंक कर सकता, नन ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन, राइट। बट एक BA को वो करना होता है एंड आई थिंक कि वो वजह से BA कहीं नहीं जाएंगे, BAs इन द मार्केट अभी भी है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। So that's why business analyst is the second role I personally feel will not be automated in the next decade. अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए हेल्पफुल है। Do not forget to press that like button and subscribe कर दे चैनल को ऐसे ही amazing videos के लिए and I button checkout करना मत भूलना। After this video I'll leave you some amazing videos in there. Coming back to our topic, next role जो I think might not be replaced in the next decade would be I'll say finance। भाई फाइनेंस वाले जो रोल होते हैं ना, जैसे फाइनेंस कंट्रोलर्स होते हैं, जो भी फाइनेंस टीम के बिलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो मैनेज करते हैं, राइट। फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रोल्स जो आई थिंक माइट नॉट बी रिप्लेस्ड। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं फाइनेंस में जो कि कैन बी ऑटोमेटेड, जैसे कि बिल जनरेशन हो गया, डेटा एंट्री का भी थोड़ा बहुत फाइनेंस में काम होता है वो हो गया, वो कैन बी ऑटोमेटेड। बट बहुत क्रूशल रोल्स होते हैं फाइनेंस में टू मैनेज बुक्स एट्सेट्रा विच आई डोंट थिंक सो कैन बी ऑटोमेटेड एंड दैट्स वाई आई विल गिव फाइनेंस रिलेटेड रोल्स द थर्ड ऑप्शन इन द लिस्ट मेरे एंड से, जो प्रॉबली ऑटोमेट नहीं होगा। एंड बाकी सारे बहुत सारे जॉब्स हैं जैसे डॉक्टर नहीं ऑटोमेट हो सकता एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इन दिस लिस्ट वी वर ओनली कवरिंग रिलेटेड टू द IT इंडस्ट्री एंड द IT कंपनीज कि उनमें कौन से रोल्स हैं जो नहीं ऑटोमेट होंगे मोस्टली फॉर द नेक्स्ट डिकेड। सो दिस वाज माय लिस्ट एंड आई होप कि ये लिस्ट ने आपको हेल्प करा होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है यू वांट टू डिस्कस इट विद मी यू कैन डू दैट। आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन जस्ट बुक योर स्लॉट एंड वी कैन डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। एंड बिजनेस एनालिस्ट जैसे एक अमेजिंग बूमिंग एंड नॉन रिप्लेसेबल रोल बाय AI अगर आपको बनना है यू कैन डू दैट। मैंने खुद आपके लिए बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू जस्ट गो एंड एनरोल बिकॉज इट्स क्रूशियल फॉर योर करियर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।